क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 33 पे राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर डाल के छोड़ देते हैं तो आपको एक हार्ड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद करिए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर लगाना है, तो CaSO4.5H2O। ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी का मतलब हाफ, तो हाफ वाटर लगाना है, हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये क्या है आपका, ये पीओपी है, पीओपी आप लोग पूरा लिखिए, पीओपी नहीं लिखेगा, आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेगा। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, वाटर के साथ। तो याद है आपको वाटर कितने लेने थे, यहाँ 1.5 वाटर लेने थे, याद है आपको, तो 1.5 वाटर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जिप्सम बना देंगे। 1.5 क्यों लिया हमने यहाँ वाटर, क्योंकि 1.5 और हाफ कितना हो जाता है 2 भाई, 1.5 और हाफ कितना होता है 2 हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा जिप्सम जो कि हार्ड मास होता है, CaSO4, 1.5 and 1.5 टोटल कितने वाटर हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 वाटर हम लोग यहाँ लगा देंगे और ये बन गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका नाम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट डाई, डाई का मतलब 2 वाटर, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। और ये बन गया आपका क्या, जिप्सम, ठीक है, हार्ड मास होता है, हार्ड मास, ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बैलेंस भी है, चेक कर लीजिए कैसे बैलेंस है, इधर कैल्शियम सल्फेट 1, इधर भी पूरा कैल्शियम सल्फेट 1, वाटर के मॉलिक्यूल इधर कितने 2 वाटर है, इधर भी देखिए 1.5 and 1.5 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये सब तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं और आप लोग को बिल्कुल याद रहने चाहिए।